एक लाइन लिखने में कितना देर लगेगा? एक लाइन लिख दे कि एमएसपी से कम पे किसी भी फसल की खरीद नहीं होगी, अगर खरीद होगी तो यह आपराधिक होगा और जो लोग ये काम करेंगे उनके ऊपर मुकदमा किया जाएगा, उसको जेल में डाला जाएगा। इसको लिखने में कोई दिक्कत है क्या? सरकार क्यों नहीं लिख रही है? सरकार अगर लिखेगी ना तो मार जूता जूता इनका मुंह फुला दे। कभी आप सोचे हैं कि ये तीन कानून एक साथ क्यों लाया गया? अरे किसानों की भलाई करनी थी तो एक वो कानून ला करके एकदम भर पेट भलाई कर देते किसान का? ये तीन कानून साथ में क्यों लाया गया है? असल खेल यहीं पे है। ये कहते हैं कि ये कानून हम इसलिए ला रहे हैं ताकि किसानों की भलाई हो, उनकी आमदनी दुगुनी हो। तो उस संबंध में एक बात आपको बता देता हूं, बिहार में 2006 में मंडी समाप्त कर दिया गया। क्या बोल करके? कि मंडी समाप्त कर देंगे तो किसानों का भलाई हो जाए। आप लोग किसान हैं ना? 2006 में मंडी समाप्त हो गया, आपका भलाई हुआ? इसका मतलब यह जो सरकार कह रही है कि मंडी समाप्त कर देने से किसानों की भलाई हो जाएगी, तो आपको लगता है कि भलाई होगी? तो फिर कानून लाया क्यों गया है, ये तो समझना पड़ेगा ना। आखिर आनन फानन में ये तीन कृषि कानून इस देश में क्यों लाए गए हैं, इसका कुछ कारण हम लोगों को समझना पड़ेगा। पहला बात तो ये, जो दुकान के बाहर बड़का बड़का बोर्ड लगा होता है सेल सेल सेल, तो बुतरू लेकर के जो बच्चा लेकर के जो माए बाप जाते हैं बाजार, तो सेल लिखा हुआ दुकान में सबसे पहले घुस जाते हैं। तो वहां देखिएगा लिखा रहेगा 50% फ्री, अप टू 50% का मतलब क्या होता है? 50% तक। अब बड़का बड़का जो है एड आता है अखबार में कि 30,000 में ही मोटरसाइकिल मिलेगा, हर एक माल 10 रुपया, 30,000 में मोटरसाइकिल मिलेगा। और स्टार लगा करके अखबार के कोना में तनी तनी को अक्षर में एकदम माखी मुंडी जैसा लिखा रहता है शर्तें लागू। कभी आप सोचे हैं कि ये तीन कानून एक साथ क्यों लाया गया है? अरे किसानों की भलाई करनी थी तो एक वो कानून ला करके एकदम भर पेट भलाई कर देते किसान का? ये तीन कानून साथ में क्यों लाया गया है? असल खेल यहीं पे है। पहला कानून में ये कह रहे हैं कि मंडी समाप्त कर देंगे, दूसरा कानून में कह रहे हैं कि किसानों के खेत को ठेका पे दे देंगे, और तीसरा कानून में ये कह रहे हैं कि अब एसेंशियल कमोडिटी मतलब आवश्यक वस्तुओं की भी काला बाजारी जायज होगी। समझे? अब समझ लीजिए खेला। पहला में कह रहे हैं कि मंडी समाप्त हो जाएगी, मतलब एमएसपी की गारंटी करना सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। प्रधानमंत्री जी आए बांह समेट करके पार्लियामेंट में बोले एमएसपी था है और रहेगा। हे गुरुदेव, लिख दीजिए एक लाइन कानून में, क्या दिक्कत है? एक लाइन कानून में लिख देने में क्या दिक्कत है प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कि एमएसपी था है और रहेगा? क्यों नहीं लिख रहे हैं? यही पे खेल है। खेल ये है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये मिनिमम सेलिंग प्राइस नहीं है। जूता के दुकान में जब आप जाते हैं तो आप जूता का दाम तय करते हैं कि दुकानदार तय करता है? बोले कौन तय करता है? आ किसान अपने फसल का दाम तय कर सकता है? क्यों? टमाटर आप अपने खेत से तोड़ लीजिएगा, हम फैशनेबल के सामने हैं गुरु, हम किस खेती किसानी देखे हैं। टमाटर आप अपने खेत से तोड़ लीजिएगा, बाजार लेकर के जाइएगा, बाजार में जो आपको कीमत मिलेगा उसी कीमत पे आप बेच करके लाइएगा। आपके पास कोई उपाय है? टमाटर को कितना दिन आप घर में रख सकते हैं? टमाटर जो है काला धन तो नहीं है कि उसको गद्दा के नीचे रख देंगे 4-5 साल के लिए? नहीं रख सकते हैं ना। तो टमाटर का दाम हम नहीं तय करेंगे, टमाटर का दाम कौन तय करेगा? खरीदने वाला तय करेगा। इसीलिए सरकार ने यह कानून बनाया था जिसके बारे में पूर्व कृषि मंत्री आपको बता रहे थे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया गया कि जिसको खरीदना है खरीदे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम पे खरीद नहीं होगी। इसका क्या मतलब होता है? इसका यह मतलब होता है कि बीएसएनएल अगर रहेगा ना तो जियो जबरदस्ती धनाधन नहीं कर पाएगा। समझ लीजिए,
अगर सरकारी स्कूल रहेगा तो जबरदस्ती प्राइवेट स्कूल आपके आपके कालर को पकड़ करके आपके बेटा से टाई का दाम नहीं वसूल पाएगा। अगर सरकारी रेलवे रहेगा तो जबरदस्ती बस वाला आपके साथ रंगबाजी नहीं कर पाएगा। इस बात को समझिए कि सरकारी चीज का होना क्यों जरूरी होता है। सरकारी चीज का होना इसलिए जरूरी होता है कि सरकारी चीज के दाम के अनुपात में ही प्राइवेट वालों को अपना दाम रखना पड़ता है। अरे जिसके पास पैसा है वो तो किसी प्राइवेट अस्पताल में जाकर इलाज करा सकता है, जिसके पास पैसा है वो तो किसी प्राइवेट स्कूल में जाकर के अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, और जिसके पास पैसा है वो अपने घर पे ही चाहे तो जियो का टावर लगवा सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? स्विमिंग पूल अगर हमको पैसा होगा तो हम घर में स्विमिंग पूल बनवा लेंगे, लेकिन आप अगर नदी बेच दीजिएगा और कल को अगर हम भैंस धोने के लिए जाएंगे तो सिपाही जो वहां डंडा लेके खड़ा हो जाएंगे कि पहले टैक्स दो तब भैंस धोने देंगे। इस बात को समझिए कि पूरा मामला क्या है। मामला यह है कि बीएसएनएल जब बिक गया, बीएसएनएल जब आज नहीं है तो जियो को आज मन है तो 500 रुपया ले रहा है और कल मन होगा तो 5000 रुपया लेगा, आप क्या कर लीजिएगा। इस बात को आप समझिए कि एमएसपी यदि समाप्त हो जाएगी तो कल को अगर वो आपसे 5 रुपये किलो ले लेगा धान तो आप क्या कर लीजिएगा। तो किसानों को उनके फसल की सुरक्षा के लिए एमएसपी का की व्यवस्था की गई, और वो भी एमएसपी ऐसा नहीं है कि हर चीज पे एमएसपी मिलता है। केला पे एमएसपी मिलता है क्या? टमाटर पे एमएसपी मिलता है क्या? गोभी पे एमएसपी मिलता है क्या? सरसों पे एमएसपी मिलता है क्या? मात्र 27 फसलों के ऊपर एमएसपी मिलता है, और उसकी भी खरीद का अगर आप हिसाब किताब देखिएगा तो मध्य प्रदेश में इस बार 1,30,00,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। बताइए बिहार में कितना हुआ है, अंदाजा लगाइए। पत्रकार लोग बताइए, ज्ञानी लोग हैं आप लोग, बताइए कितना हुआ है। 5000 मीट्रिक टन। कितना? 5000। का है हमारा गेहूं गोबर है क्या? हमारे गेहूं से आटा नहीं बनेगा? हमारे गेहूं से रोटी नहीं फूलेगा? हमारे गेहूं से बिस्कुट नहीं तैयार होगा? क्यों ऐसा हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि हमारे राज्य में एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसान कह रहे हैं कि आप हमको भी बिहार के किसानों जैसा बना देना चाहते हैं। यह बात तो सच है। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा दुर्दशा अगर कहीं के किसानों की है तो वो बिहार के किसानों की है। अपना गेहूं काट लेते हैं तब पंजाब का धान काटने के लिए जाते हैं, या पंजाब का धान काट लेते हैं तब अपना धान काटने के लिए आते हैं, यही सच्चाई है ना। और जो दूसरा कानून है, ये तो पहला एमएसपी वाली बात हो गई और कोई झंझट नहीं है। प्रधानमंत्री अगर कहते हैं कि एमएसपी था है और रहेगा तो एक लाइन लगेगा, ज्यादा इंक भी खर्च नहीं होगा। एक लाइन लिखने में कितना देर लगेगा? एक लाइन लिख दे कि एमएसपी से कम पे किसी भी फसल की खरीद नहीं होगी, अगर खरीद होगी तो यह आपराधिक होगा और जो लोग ये काम करेंगे उनके ऊपर मुकदमा किया जाएगा, उसको जेल में डाला जाएगा। इसको लिखने में कोई दिक्कत है क्या? सरकार क्यों नहीं लिख रही है? सरकार अगर लिखेगी ना तो मार जूता जूता इनका मुंह फुला देगा। कौन 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 मुंह फुलाएगा? और ये जो दिन रात भजन होता है मोदी मोदी, ये भजन बंद हो जाएगा क्या? उस चैनल का मालिक कौन है? उस चैनल का मालिक कौन है? तो सरकार जिसकी करती है दरवानी उसी का है चैनल, और जिसका है चैनल वही आज आज आने वाले समय में क्या खरीदना चाहता है? आपका खेत, आपका फसल, आपकी किसानी, आपकी खेती, और आपको क्या बनाना चाहता है? आपके ही खेत पर गुलाम। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? इतवार को कानून पास हुआ है क्या सर? इतवार को कानून पास हुआ है, और जिस दिन कानून पास हुआ है उससे 2 दिन के बाद रिलायंस रिटेल ने 50,000 करोड़ का अपना शेयर बेचा है। कितना? क्या को सुनना हुआ 50,000 करोड़ का? क्या को सुनना हुआ, गिनती कर लीजिएगा। 50,000 करोड़ का शेयर बिका है किसका? रिलायंस रिटेल का। पूर्णिया में को रिलायंस रिटेल का दुकान देखे हैं? है? एगो एडवांस जिला है तब आप। दूगो लोग कितना है यहाँ पे? 3 गो। कितना शेयर बिका है? 50,000 करोड़।
और कितना फल का दुकानदार है, फल का क्या गो रेडी लगता है पूर्णिया में, गिने हैं, है गिनती? क्या गो आलू का दुकान है गिनती? क्या जगह गेहूं मिलता है, गल्ला का दुकान है गिनती? तो आप गरीब से गरीब होते जा रहे हैं और चोड़वा अमीर से अमीर होते जा रहा है। और ये हमको समझ में नहीं आए, इसीलिए शाम को टीवी पे बैठ करके एगो टोपी पहन लेगा, एगो तिलक लगा लेगा, मोर तलवार निकालेगा टीवी पे, नकली बॉक्सिंग करेगा वहां पे। एक तरफ देश की लूट, देश के किसानों की लूट, देश के मजदूरों की लूट, देश के यूनिवर्सिटीज की लूट, देश के रेलवे की लूट, देश के LIC की लूट, देश के BSNL की लूट। एक तरफ देश की संपत्ति लूटी जा रही है और दूसरी तरफ क्या किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद टीका टोपी दाढ़ी। बताइए, इस देश के लोगों को यह समझना पड़ेगा कि हम गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। और संकट सिर्फ ये नहीं है, ये तो सस्ता फोटोकॉपी है। ये जो पार्लियामेंट में बैठा है, कभी रोता है कभी हंसता है, ऐसा लग रहा है जैसे अल्हा रुदल का डांस चल रहा हो, ये तो सस्ता फोटोकॉपी है। असल चुनौती इस देश के सामने ये है कि एक तरफ अमेरिका चाहता है इस देश के बाजार को कब्जा कर लेना, दूसरी तरफ चाइना चाहता है इस देश के बाजार को कब्जा कर लेना। आप बताइए, 135 करोड़ का यह देश, जहां महात्मा गांधी फणीश्वरनाथ रेणु नक्षत्र मालाकार कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग पैदा हुए, यह महान धरती, यह भारत भूमि जो अपनी आजादी को सेलिब्रेट करता है, एक तरफ उस देश के 135 करोड़ लोग हैं उनकी आजादी का सवाल है, दूसरी तरफ ये लुटेरे और बेईमान है इस देश को कब्जा कर लेना चाहते हैं। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि ये लड़ाई सीधे तौर पर देश बचाने वालों और देश बेचने वालों के बीच में है। आप तय कर लीजिए कि आप किसके साथ खड़े हैं, बोलिए बचाने वाले के साथ है कि बेचने वाले के साथ है। ये लड़ाई किसानों और बेईमानों के बीच है, ये लड़ाई हेलीकॉप्टर और ट्रैक्टर के बीच में है, ये लड़ाई आप सीधे तौर पे समझ लीजिए कि एक तरफ वो लोग हैं जो 1947 में हमको आजादी मिली है, जो संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है उस संविधान को बचाने वाले लोग हैं, दूसरे लोग वो हैं जो अंबानी और अदानी के दरवाजे पे आज दरबानी करने के लिए तैयार है। आज इस लड़ाई में हर एक इंसान को अपनी पहचान को छोड़ करके एक भारतीय होने के तौर पे इस आंदोलन में शरीक होना चाहिए, उसको अपना समर्थन देना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में हम छोटी छोटी चीजों के लिए मोहताज हो जाएंगे। दूसरा कानून क्या है? दूसरा कानून है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। क्या कहता है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कहता है कि जितना मन करे उतना कालाबाजारी कर लो। एक बात बताइए, खेती किसानी करने वाले लोग हैं, जब प्याज की पैदावार होती है, जब केला का पैदावार होता है, जब आम का पैदावार होता है, जब गेहूं की पैदावार, जब धान की, मकई की, मखाना की पैदावार होती है, तो जिसके पास पूंजी होगा तो इलाके का सारा मखाना सारा गेहूं खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता है? तो पहले कानून ये था कि एक लिमिट के बाद आप किसी भी आवश्यक वस्तु का भंडारण नहीं कर सकते हैं। अगर आप भंडारण कीजिएगा तो दरोगा को जो पावर है कि जाकर के उसके ऊपर छापा मार सकता है। इसीलिए आप सुनते होंगे जब प्याज 80 रुपए किलो हो जाता था तो प्याज के गोदाम पे छापा पड़ता था, पड़ता तक नहीं पड़ता था, और फिर प्याज का दाम घट करके 40 से 20 रुपए पहुंच जाता था। आज के डेट में इन्होंने काला बाजारी को कानूनी अमली जामा पहना दिया है। ये पूरा का पूरा लड़ाई, इसीलिए मैं कहता हूँ कि सिर्फ किसान की लड़ाई नहीं है, ये इस देश के आम और आवाम की थाली में रोटी नमक प्याज दाल रहेगा कि नहीं रहेगा, ये उसकी लड़ाई है, इस बात को हमको समझना चाहिए। इसीलिए इस लड़ाई को सिर्फ फार्मर के तौर पे नहीं बल्कि इस देश में सिटीजन के तौर पे, कंज्यूमर के तौर पे हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। बोलिए इसके लिए आप तैयार है कि नहीं है? अगर आप तैयार है तो मैं आपको एक भरोसा दिलाना चाहता हूँ। ठेकेदारी का जो ये कानून ये लेकर के आए हैं, तीन कानून है याद रखिएगा, एक मंडी समाप्त करने का कानून, दूसरा किसानों के खेत को ठेका प्रथा पे देने का कानून, और तीसरा जो आवश्यक वस्तु है उसके काला बाजारी को बचाने का, ये तीन कानून है। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।